और अब बात गाजीपुर की, जहां पर सैदपुर से सपा विधायक सुभाष पासी और प्रशासन के बीच विवाद सामने आया। एक तरफ सपा विधायक का दावा है कि कोरोना काल में उन्होंने विधायक निधि से वेंटिलेटर समेत बाकी कामों के लिए 1 करोड़ की राशि दी थी, लेकिन प्रशासन ने उन्हें कहां खर्च किया इसकी जानकारी नहीं दी जा रही। तो वहीं मुख्य विकास अधिकारी की माने तो सिर्फ 4 लाख रुपए दिए गए थे। तो विधायक निधि में 1 करोड़ की मदद की गई थी। गाजीपुर में सपा विधायक और प्रशासन के बीच तनातनी हो गई है। सैदपुर से सपा विधायक मांग रहे हैं 1 करोड़ का हिसाब, और सुभाष पासी का दावा है कि कोरोना काल में 1 करोड़ दिए, लेकिन सीडीओ का कहना है कि विधायक ने केवल 4 लाख रुपए दिए। अब इसी को लेकर विवाद शुरू हो गया है। विधायक का दावा है कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए दिए थे, आखिर कहां खर्च हुए इसका जवाब दिया जाए। सीडीओ कह रहे हैं कि केवल 4 लाख रुपए दिए गए। जब पहली लहर कोरोना की आई थी तो आप लोगों ने पेपरों में पढ़ा होगा 1 करोड़ रुपया किसी ने देने का काम किया था, तो आपका भाई, आपका बेटा, आपका भतीजा ये सुभाष पासी ने किया था, और ये देने का अधिकार आप लोगों ने दिया था, महमूदपुर के लोगों ने दिया था। आप लोगों ने उस दुर्दिन में बीजेपी की जो सुनामी चल रही थी उसमें यदि आप लोगों ने परचम लहराने का काम किया था तो आप लोगों ने मुझे चुन करके विधानसभा में भेजा था। उसका खामियाजा जब ये कोरोना की लहर आई तो आपके इस विधायक ने 1 करोड़ रुपया दिया था वेंटिलेटर लगाने के लिए, कि ताकि मेरा कोई भाई, कोई मेरी बहन, कोई माँ, कोई मेरा बेटा, कोई भतीजा किसी कारणवश यदि बीमारी से ग्रसित है तो कम से कम वेंटिलेटर से उसका इलाज हो सके। विधायक श्री सुभाष पासी जी द्वारा पिछले वर्ष कोविड के लिए दैवीय आपदा कोविड-19 से बचाव हेतु तथा संक्रमण से सुरक्षा हेतु चिकित्सा उपकरण की सुविधा के लिए उन्होंने कार्यदायी संस्था मुख्य चिकित्सा अधिकारी गाजीपुर को 4 लाख रुपए की धनराशि को देने के लिए निर्देश दिया था, जिसके क्रम में वो धनराशि पिछले वर्ष मार्च 30 तारीख को और अप्रैल की 2 तारीख को 2020 में ही स्थानांतरित की जा चुकी है और उनके द्वारा इस संबंध में कार्य कराया जाए। रविवार का दिन हादसों भरा रहा। कई जिलों में हादसों की तस्वीरें सामने आई जिसमें दर्जन भर से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई रफ्तार का कहर हादसे की वजह बना तो कहीं पर लापरवाही ने लोगों की जान ले ली। जिन जिलों में हादसे हुए उनकी तस्वीरें आपके सामने, मऊ, गोंडा, ग्रेटर नोएडा, अयोध्या और बरेली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 5 लोगों की मौके पर ही मऊ में सड़क हादसे में मौत हो गई। गोंडा में 2 बस यात्रियों की मौत हुई। वहीं पर अगर हम बात करें अयोध्या की तो यहाँ पर भी 2 लोगों की मौत हुई, 8 घायल हुए। ग्रेटर नोएडा में भी रफ्तार का कहर हुआ जहाँ पर हादसा हुआ और 2 मजदूरों की मौत बरेली में ओवरलोडेड ट्रक पलट जाने की वजह से हो गई। एम्बुलेंस वाले हड़ताल में सर, PRBI है, मतलब 4 को गए हैं,